एक सीन कंसिडर करते हैं कि भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन डेथ हो जाए और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, किसी एक्सीडेंट की वजह से एग्जांपल लेते हैं, डेथ हो गई तो क्लेम मिलेगा, डेथ क्लेम, बराबर है? तो डेथ क्लेम आया, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो अगर मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए एक्सीडेंट की वजह से कि ना डेथ हुई ना मेडिक्लेम के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, बैठना पड़ा घर पर, तो क्या होगा? क्या ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम पैसा देगा अगर घर पर रहना पड़ा? कहाँ से आएगा पैसा? तो ऐसे टाइम के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस काम आता है। अच्छा चलिए एक और चीज़ बात करते हैं। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ऑफकोर्स होना भी चाहिए, ऑफकोर्स ड्राइविंग के लिए, कि लोग आप पे एकदम आंखें बंद करके रिलाय करते हैं कि चलो अगर अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग सो जाएंगे आंखें बंद करके मस्त आराम से, क्योंकि आप इतने एक्सलेंट ड्राइविंग करते हैं कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब क्या ये सेम कॉन्फिडेंस अगर आप बाजू में बैठे हैं पैसेंजर सीट पर और अगर दूसरा कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो आपको होता है इतना कॉन्फिडेंस? हम खुद के ड्राइविंग पर कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर दूसरा कोई ड्राइविंग कर रहा है तो फिर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, एक बार बताइए कि बाहर कहीं पे जा रहे हैं, आप चल रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन सामने से जो गाड़ी या सामने से जो भी कोई आ रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में क्या? अगर उनके कॉन्फिडेंस का कांटा अगर हिल गया और अगर आप ही के साथ उनका एक्सीडेंट होना था वो हो गया, तो कहाँ गया कॉन्फिडेंस, कहाँ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या गारंटी है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा एक्सीडेंट कभी होगा नहीं, मैं तो यार बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ, मैं एकदम संभल के रास्ते से चलता हूँ, मैं तो ज़्यादा घर से बाहर ही नहीं चलता। अरे भाई साहब, घर से बाहर नहीं जाते, घर पे फिसल के भी तो पैर फ्रैक्चर हुए देखे हैं ना उन्हें, हिप जॉइंट वो फ्रैक्चर होते हैं, कुछ ना कुछ तो होते हैं, तो वहाँ पे भी फ्रैक्चर होके वो भी तो एक्सीडेंट है ना। तो क्या गारंटी है कि अपने साथ एक्सीडेंट नहीं होगा? आज आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों है और उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके फीचर्स क्या है। लेकिन उसके पहले अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और वो जो बेल का आइकन है वहाँ पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो फिर चलिए अब देखते हैं कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस है क्या चीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी किसने चाहिए? उसके पहले तो देखते हैं कि एक्सीडेंट का मतलब क्या है। जब मैं बोलता हूँ एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पहले तो ये तो जान ले कि क्यों लेना है और एक्सीडेंट का मतलब क्या है। एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है, इसके बारे में एक्चुअली मैंने मेरे एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, आज वापस एक बार आपके लिए बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट एक ऐसी घटना होती है जो अनदेखी और अचानक से घटी हुई घटना, जो कि अपनी बॉडी की अलावा बाहर के किसी वस्तु की वजह से हुई है और जिसकी वजह से आपको इंजरी हुई है किसी भी तरीके की। अब सांप ने काटा, एक्सीडेंट है। स्टेयर केस उतर रहे थे, फिसल गया पैर, गिर गए, एक्सीडेंट है। कहीं पे पानी गिरा था, चल रहे थे, या केले का छिलका था, चल रहे थे, उसके ऊपर से पैर फिसल गया, गिर गए, लगा अपने को, एक्सीडेंट है। गाड़ी में कहीं पे जा रहे आ रहे, चल रहे हैं, उतर रहे हैं, बस से, कुछ भी हो, अगर कुछ ऐसा होता है और उसके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बाहर की चीज़ की वजह से हुआ है ना, तो वो एक्सीडेंट है। अब ये जो एक्सीडेंट है, ये किसी का भी, एज, रिलीजन, या फिर आप क्या काम करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपकी इनकम कितनी है, ये, या आपका जेंडर क्या है, आप कौन से एरिया में रहते हो, ये देख के एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है और यही वजह है एक्सीडेंट का प्रीमियम एज के हिसाब से वैरी नहीं होता है। एक्सीडेंट का प्रीमियम ये आप कौन कौन से फील्ड में, यानी किस टाइप का काम करते हैं, क्या बिजनेस या क्या नौकरी करते हैं, उससे नहीं होता डिसाइड। किस टाइप का, यानी आप
कितने रिस्की काम में एंगेज्ड होते हो और आपका जो इनकम होता है उसके हिसाब से यह एक्सीडेंट की पॉलिसी आपको दी जा सकती है। इनकम क्यों? बिकॉज कोई भी इंश्योरेंस आपका फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन करने के लिए एग्जिस्ट होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन के लिए खरीदी जाती है। इमोशनल लॉस ये कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता, टाइम लॉस कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता, लेकिन फाइनेंशियल हो सकता है और उसी के लिए इंश्योरेंस होता है। जनरली एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ये 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए होती है, यानी उसके ऊपर के जो लोग हैं वो इसको खरीद सकते हैं। अप टू एज 65 मैं खरीदने की उम्र बोल रहा हूँ, बाद में रिन्यू हो सकता है, लेकिन कुछ कंपनीज कहती है कि हम आपको अगर आपकी एज 75 तक भी है तो भी आप खरीद सकते हो, 80 तक है तो भी आप खरीद सकते हो, कुछ कंपनीज बोलती है ऐसा, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा, अगर रिस्क ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है ना लाइफ का, तो वहाँ पे इंश्योरेंस का उस प्रीमियम में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, कुछ फीचर्स में फ़र्क आ सकता है। जनरली ये जो एक्सीडेंट का जो पॉलिसी, अगर डिपेंडेंट्स है, छोटे बच्चे हैं, तो 5 महीने के बच्चे से ये पॉलिसी आप उनको भी कवर दे सकते हैं अपनी फैमिली में। ये जो एक्सीडेंट पॉलिसी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आप क्या टाइप का काम करते हैं, आप कितना रिस्की काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जनरली इसको बोलते हैं रिस्क कैटेगरी या रिस्क ग्रुप, रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2, रिस्क ग्रुप 3। ये अप्रोक्सीमेट आपको प्रोफेशंस दिखाए गए हैं, ये सिर्फ एग्जांपल्स है, आप इनका प्रोफाइल कंसीडर कीजिएगा कि किस टाइप के रिस्क का ये काम करते हैं, उनके लाइफ को या उनकी बॉडी को कितने टाइप का रिस्क का एक्सपोजर होता है वो आप यहाँ पे देखिए। जनरली एक्सीडेंट की पॉलिसी ये इंडिविजुअल्स को दी जा सकती है या फिर फैमिलीज में फ्लोटर के भी प्लान्स कंपनीज़ के पास अब अवेलेबल हो चुके हैं, या फिर ग्रुप इंश्योरेंस यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सीडेंट के पॉलिसी का कवर दे सकते हैं। अब इंडिविजुअल के लिए है तो वो इंडिविजुअल के हिसाब से आएगा कवर, लेकिन फैमिली के लिए अगर है तो वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि जो मेन अर्निंग पर्सन है वो मेन होगा उस ग्रुप का। फिर अगर स्पाउस अगर अर्निंग है तो अलग कुछ क्राइटेरिया होंगे, उनका अलग कवर लिया जाएगा। अगर स्पाउस अगर घर पे है, काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका कवर शायद कम होगा। बच्चों के लिए थोड़ा और कम कवर आप दे सकते हैं, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी ये दिया जा सकता है, लेकिन फ्लोटर प्लान अब एक्सीडेंट पॉलिसीज में भी अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। और ग्रुप इंश्योरेंस तो बहुत ही सस्ते होते हैं, वहाँ पे तो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ही कवर की जाती है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या कवर होता है। अब देखते हैं कि किसी भी पीए पॉलिसी में, यानी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सीडेंट पॉलिसी, उसमें क्या क्या कवर होता है ये देखेंगे। कई पॉइंट्स या कई कवर्स तो ऐसे हैं जो आज लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा भी होता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर, ये पता भी नहीं है। चलिए फिर एक एक करके देखते हैं क्या क्या कवर होता है एक्सीडेंट की पॉलिसी में। देखा आपने क्या क्या फीचर्स दिए जा सकते हैं एक्सीडेंट पॉलिसी में,
आपको इसमें से कितनी चीजें पता थी आज तक? लोगों को पता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज ये चीजें ये बाहर लोगों को बताइए, ये वीडियो शेयर कीजिए। लोगों को पता होना चाहिए कि इतनी सारी फैसिलिटीज इतने सस्ते में मिल सकती है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सीडेंट पॉलिसी में क्या क्या कवर नहीं होता। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हुई एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवर होता है, क्या नहीं होता, एक्सक्लूजन्स क्या है, ये सारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी के पास एक्सीडेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी ऑलरेडी ली है किसी ने और फिर क्लेम आ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर डॉक्टर ने बोला भैया साहब आप घर पर रुकिए कुछ दिन, आप आराम कीजिए, तो क्या होगा, कैसे क्लेम करें? सबसे पहले तो आप याद रखिए, जैसे मेडिक्लेम का आप इंटीमेशन करते हैं या फिर जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आप कंपनी को इंटीमेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको कंपनी के कॉल सेंटर को फ़ोन करके वहाँ पे आपको बताना होता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये हॉस्पिटल में है, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, छोटी सी एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर देनी है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, कुछ एक्सीडेंट की पॉलिसीज़ जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो पैसा होता है वो भी आपको दे सकती है पैसा, यानी वहाँ पे आपको कैशलेस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी बाय लॉ। अगर एक्सीडेंट की पॉलिसी किसी ने ली है वहाँ पे फीचर है कि हॉस्पिटलाइजेशन का भी पैसा मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा फीचर खरीदा हुआ है एज अ एडिशनल राइडर या ऑप्शन कि हॉस्पिटलाइजेशन का भी पैसा मिलना चाहिए, हमेशा याद रखें वहाँ पे कैशलेस की फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पे रीइंबर्स करवाना पड़ता है, पहले पैसा आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको वो सारे कागजात कंपनी में सबमिट करके आपको क्लेम लेना पड़ेगा। अब कागजात क्या क्या लगेंगे देखते हैं।
अब क्लेम मिलेगा ये किसके ऊपर डिपेंड है? सारे कागजात जो आप सबमिट कर रहे हो उसके ऊपर। अगर सारे कागजात सबमिट नहीं किए हैं तो क्लेम कैसे दे पाएगी कंपनी? डिले हो जाता है जितना डिले उनको कागजात मिलने में होगा। तो सारे कागजात आप अच्छे तरीके से फटाफट आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, उतना ही अच्छा, जल्दी क्लेम सेटल होगा। हमने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स दिए हुए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो की वजह से आपको एक अच्छी खासी, बहुत चौंका देने वाली भी शायद इन्फॉर्मेशन मिली होगी एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप लोग एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक अच्छा खासा खुद के लिए और फैमिली के लिए आप खरीदोगे। इसको इग्नोर प्लीज़ मत कीजिए। एक्सीडेंट किसी का भी कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। तो अब आज के वीडियो में यहीं तक। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो प्लीज़ आगे शेयर करें, आपने आपके प्रियजनों के पास आप इसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसको पहले तो लाइक कर दीजिए। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वो बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।